हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कल रिलीज़ हुई गोविंदा की रंगीला राजा की मूवी के कलेक्शन के बारे में। जी हाँ, जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि गोविंदा की जो मच अवेटेड मूवी थी रंगीला राजा, वो कल स्क्रीन्स पर आ गई है, वो कल सिनेमाघरों पर रिलीज़ हो गई है। काफ़ी दिनों से इस मूवी की रिलीज़ जो डेट है वो पोस्टपोन हो रही थी और उसे डाला जा रहा था इस, लेकिन कल फाइनली ये मूवी जो है वो दर्शकों के बीच पहुंची है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ये फ्राइडे को ये मूवी है उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएगी, और रिजल्ट भी जो हमारे पास आए हैं वो कुछ इस तरह के ही आ रहे हैं। जी हाँ, जब फ्राइडे होने की वजह से ये मूवी उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई है, और 50 लाख के आसपास भी ये मूवी बिजनेस नहीं कर पाई है, सिर्फ 30 और 35 लाख के करीब ही इस मूवी ने बिजनेस किया है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि गोविंदा की इस मूवी की रिलीज डेट जो है वो कई बार पोस्टपोन हो चुकी थी, और कुछ नेगेटिव व्यू भी जो हैं वो फिल्म समीक्षकों ने इस मूवी को लेकर दिए थे, जिसका खामियाजा शायद गोविंदा की इस रंगीला राजा मूवी को भुगतना पड़ा है। लेकिन जिन दर्शकों ने गोविंदा की इस मूवी को देखा है और जो उनकी अपनी खुद की फैन फॉलोइंग है, उन्होंने इस मूवी को पसंद किया है और वो इस मूवी को लेकर अच्छे व्यूज दे रहे हैं, तो हो सकता है कि माउथ पब्लिसिटी के जरिए जो उनके अपने दर्शक हैं वो आज सैटरडे है और कल संडे है तो इस मूवी को देखने ज़रूर जाएंगे, और कुछ रफ्तार जो है ये मूवी पकड़ सकती है और अच्छा बिजनेस कर सकती है। अगर हम प्रेडिक्शन करें तो हो सकता है कि 1 करोड़ के आसपास वीकेंड में ये मूवी जो है वो बिजनेस कर सकती है। जहाँ तक बात की जाए इस मूवी को लेकर, तो गोविंदा भी पहले कह चुके हैं कि कुछ जितनी स्क्रीन इस मूवी को मिलनी चाहिए थी उतनी स्क्रीन स्पेस इस मूवी को नहीं मिला है। शायद ये वजह भी हो सकती है कि इतना अच्छा बिजनेस जो है गोविंदा की जो ये मूवी है रंगीला राजा वो नहीं कर पाई है, और इसकी जो रफ्तार रही है वो काफ़ी स्लो है। लेकिन फ्रेंड्स, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये मूवी रफ्तार पकड़ेगी और जो इसका वीकेंड रहेगा, वीकेंड कलेक्शन जो रहेगा वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। उनके अपने जो फैंस हैं वो इस मूवी को देखने ज़रूर जाएंगे, और गोविंदा की इस जो ये मच अवेटेड मूवी थी उसको दर्शक सहाएंगे, इसकी सराहना भी करेंगे और उसको देखने ज़रूर जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी, अगर आपने ये मूवी देखी है और आपके पास कोई भी कमेंट है या किसी तरह का भी कमेंट आप इस मूवी को लेके करना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करना ना भूलें। और आपको हमारी ये न्यूज़ कैसी लग रही है और हमारा चैनल कैसा लग रहा है तो हमें ये बताना ना भूलें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगली खबर तक, चिर दिन बाय बाय।